ये ग्रुप से आपके होम टैब के अलग ग्रुप मिलेंगे, इंसर्ट टैब के अलग मिलेंगे, मिल रहे हैं आपको, और पेज लेआउट के अलग मिलेंगे। इस टाइप से आपको ग्रुप होती है। अब ग्रुप किससे मिलकर बनते हैं? कमांड से मिलकर। ये ऑप्शन है, इनको कमांड बोलते हैं आप। कमांड से मिलकर ग्रुप बनता है, ग्रुप से मिलकर आपकी रिबन बार बनती है। ठीक है, आ जाएगा। अब हमने ये ऑप्शन नहीं बताया था आपको, क्योंकि आपको नाम ही पता नहीं थे, इसलिए अब आपको पता चल गया। अब अपन इस पर क्लिक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑटो हाइड रिबन बार। आप इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे आपको सारे रिबन बार जो थी वो हाइड हो गई है। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन शो टैब्स। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये आपकी टैब्स होती है, तो ओनली क्या होंगे आपको, टैब्स शो होंगे। अब आपको जो भी वर्क करना है आप यहाँ पे जिस भी टैब पर लेना आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर आप कुछ वर्क करेंगे फिर वो हाइड हो जाएंगे आपको। और लास्ट ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो क्या आ रहा है, शो टैब्स एंड कमांड्स। देखिए कमांड्स भी शो हो गए आपके। तो इतना आया आप सभी को? किसमें? तो वर्क करना वही तो, फिर आपको ये वाला फर्स्ट वाले में तो फिर आपको ऐसा कुछ कुछ शॉर्टकट की पता है, तो शॉर्टकट की से कर सकते हैं आप। इसलिए अपन इसको हाइड नहीं करते। हाइड कब करते हैं? जब आपको पूरा क्लियरली डाटा पूरा देखना हो तो कराना है, पर अपन ऐसे करते ही नहीं है। तो इसलिए अपन यहाँ पे लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर। इतना आया। इसके बाद आप देखा ये क्रॉस, ये राइट सेलेक्ट का ये एफ एक्स लिखा है, इसको क्या बोलते हैं आप? इसके सामने जो है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करते हैं तो देखिए फॉर्मूला बार में शो हो रहा है आपको, मिल रहा है कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। इसका साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसकी जो फॉर्मूला बार की लाइन आ रही नीचे की ओर ड्रैग करें, बड़ा हो गया, लेकिन टेक्स्ट उसमें नॉर्मल वो ही लेगा जितना उसका लेता है। देखिए टेक्स्ट का साइज बड़ा नहीं होगा आपका, देखिए नहीं हुआ, बस उसका जो एरिया है वो बड़ा हो जाएगा, अपन इसे छोटा ही कर देते हैं। फिर इसके बाद ये रहता है आपका नेम बॉक्स, जिसमें आपका क्या लिखा है, F5। अभी F5 क्या है? कॉलम और 5 नंबर की रो। अब कॉलम क्या होती है? ए बी सी डी ई एफ, ये जो लिखी है ए बी सी डी, ये क्या होती है आपके कॉलम। और यहाँ पे जो 1 2 3 लिखी है क्या होती है? रो। रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? सेल, जो कि हमने आपको टेबल वाले ऑप्शन में बताया था एमएस वर्ड में। तो एक ये सेल है। अब जैसे इस वाले सेल पे क्लिक कर तो कहाँ पे है? सी वाला कॉलम और 4 नंबर की रो, तो यहाँ पे बता रहा है C4। ठीक है, तो आ जाएगा आप सभी को इतना। अब ये यहाँ पे देखिए नीचे ये क्या है आपके, सीट बार। ये प्लस का साइन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे C2 आ जाएगी। आप इसमें कितनी भी सीट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये ग्रीन कलर की जो लाइन देख रहा है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, तो इतना आया आप सभी को। अब इसमें आप कुछ भी वर्क करते हैं ना तो पहले आपको उसको बताना होता है। जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं उसको प्लस करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसमें यूज करने के लिए इक्वल देना होता है, प्लस माइनस गुणा भाग या फिर कुछ फॉर्मूला देने के लिए इक्वल देना कंपलसरी होता है। हमने यहाँ पे इक्वल दिया, इक्वल लगाया, हमें यहाँ पे 100 प्लस, हमें प्लस करना है 200 प्लस, प्लस किया हमने यहाँ पे 300, तो आंसर कितना होगा इसका, 600 होगा। एंटर किया हमने, आ गया। अभी तो हमने ये नॉर्मल वैल्यू ली थी कि आपको इसे समझ में आ जाए। अब हम फिर से करते हैं इक्वल। अब हमने ये वाली वैल्यू ली प्लस, हमने ये वाली वैल्यू ली प्लस, ये ली हमने। अब इनका टोटल करेंगे तो टाइम लग जाएगा आपको, मोबाइल निकालेंगे, कैलकुलेटर निकालेंगे, फिर संख्या टाइप करेंगे, प्लस करेंगे, डायरेक्ट आप इसमें एंटर करना है आप, तो आ गया आंसर आपका। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या रहता है आपका, जैसे मान के चलिए इसमें आपने क्या लिखा है 100, इसमें आपने क्या लिखा था 200, इसमें लिखा था आपने 300। अब इन तीनों को प्लस करना है, तो अभी हम नॉर्मली इक्वल के द्वारा बता रहे हैं, अदरवाइज इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आप इक्वल करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इसका सेल एड्रेस ले लिया उसने B3, बी वाला कॉलम और 3 नंबर की रो, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर आप इस पे क्लिक करें तो C3 ले लिया, सी वाला कॉलम 3 नंबर की रो, फिर प्लस का साइन देंगे, इस पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे, तो आ गया 600। हाँ ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा सम का, वो हम आगे क्लास में बताएंगे, हम बोल तो रहे हैं। अब आपने सेल एड्रेस लिया है, अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, 200 कीजिए, ऑटोमेटिक चेंज हो गया। बस आपको एक बार फॉर्मूला फिट करना होता है, बाकी आप कुछ भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिक चेंज कर देता है। ये इसमें अच्छी फायदा होता है आपको, या बेनिफिट है आपके लिए। तो इतना आया। अब इसमें जैसे कि आपके जो एक्सेल है उसमें 3 टाइप के माउस पॉइंटर आते हैं,
वर्ड में तो आपको एक कर्सर मिलता था और माउस पॉइंटर मिलता था, पर इसमें तीन टाइप से चेंज होती है, बताएं। जैसे हमने इसको वन लिखा है, यहाँ पे लिखा, नीचे हमने टू लिखा। अब आपको इन दोनों को सेलेक्ट करना है, तो अभी आप जो देख रहे हैं मोटा टाइप का प्लस का साइन है, इससे आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होता है। फर्स्ट वाले के बीच में क्लिक करेंगे, माउस के क्लिक को दबा के रखेंगे, देन नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, तो सेलेक्ट हो गया। इसके बाद ये जो सिलेक्शन की जो आउटलाइन आ रही ग्रीन कलर की आ रही है, हम इसको थोड़ा जूम करते हैं, दिख रहा है आपको? तो आप यहाँ पे देखिए, इस पे माउस पॉइंटर लेके जाते तो ये एरो वाला साइन देगा, आप दे रहा है। माउस की क्लिक को दबा के रखेंगे, देन इसको आप मूव करके कहाँ रखना चाहते हैं वहां पे ले जा सकते हैं। मतलब मोटे वाले प्लस के साइन से आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होता है, नॉर्मल प्लस के साइन आता जिसमें एरो के साइन बने हुए रहते उससे आपका टेक्स्ट मूव होता है, इतना आया। और ड्रैग करना है, ये डॉट आ रहा है, इस डॉट पर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, नॉर्मली प्लस का साइन आता, कोई मतलब उसमें एरो वगैरह कुछ नहीं रहेगा। माउस क्लिक को दबा के रखेंगे, देन ड्रैग करेंगे, आपको ड्रैग करने के लिए रहता है। अब उसमें देखिए 1 2 3 कंटिन्यू नंबरिंग ले ली उसने। एक्सेल को पहले आपको बताना होता है कि किस टाइप से आप उसमें डाटा लेना चाहते हैं। अपन ने उसे क्या बताया, 1 और 2 कंटिन्यू दी उसने, उसने यहाँ पे 3 कंटिन्यू ले ली। अगर आप उसे यहाँ पे 1 देते हैं और 3 देते हैं, तो बीच में आपने एक ड्रॉप कर दिया। अब आपने इसको सेलेक्ट किया, जैसे मान के चलिए आपको 1 और 3 को एक को ड्रॉप करके लेना है, लेकिन आपने सिर्फ ओनली 1 को सेलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया, तो आपने उसे सजेशन क्या दिया है, 1, तो उसने 1 1 ड्रैग कर दिया। तो हम कंट्रोल जेड करते हैं, अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, तो आपने बीच में एक को ड्रॉप किया, इस डॉट पे जाएंगे और इसे ड्रैग करेंगे। तो देखिए एक को उसने ड्रॉप करके लिया है, आप उसे जैसा बताएंगे वो वैसा ही वर्क करेगा, ठीक है? तो इतना आया। इसमें आप कुछ भी बहुत फास्ट तरीके से ले सकते हैं, जैसे हमें 1 2 3 लिखनी है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1, और यहाँ पे 2, फिर हमें 11 नंबर की भी लेनी है, और फिर यहाँ पे 21 31 सारी नंबरिंग लेनी है, तो हम यहाँ पे 11 सॉरी यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे 11 आएगा। 4 लिख लिए अपन यहाँ पे सेल में, तो अपन इन चारों को सेलेक्ट करेंगे, देन इस डॉट पे जाएंगे अपन और ड्रैग कर देंगे नीचे की ओर किया, तो देखिए 1 नंबर की और 11 नंबर की 1 2 3 आ गई आपके पास। देन आगे की साइड ड्रैग करेंगे आप, देखिए आ गएंगे 1 2 3। बस आपको सेलेक्ट करके ड्रैग करना है, अभी तो आपने ये नॉर्मल 1 2 3 लिए। अगर आपको टेबल लेना हो तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो ये तो 2 की आ जाएगी, पर आपको 3 की भी लेनी है, 4 की भी लेनी है, 5 की भी लेनी है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 और यहाँ पे 6, फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, देन इस दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे। देखिए 2 और 3 की टेबल आ गई, अब आपको 4 5 6 सभी टेबल लेनी है, तो आपको ये सिलेक्शन बना हुआ है। अगर आप इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं, बाहर कहीं क्लिक कर दिया आपने, तो फिर आपको इन दोनों को पूरा पूरा सेलेक्ट करना रहेगा। किया आपने सेलेक्ट, फिर आप इस डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपन ड्रैग कर देंगे, तो देखिए आ गई आपके 9 तक की टेबल, और भी आगे तक आप ड्रैग करते जाएंगे तो बहुत सारी टेबल आती जाएंगी आपके पास, तो इतना आ जाएगा आप सभी को। तो इसमें हमने आपको अभी नॉर्मली बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? तो आ जाएगा इतना। अब जैसे कि आप इसमें कुछ डाटा फिल कर देते हैं, ये किया आपने, तो ये सेकंड में जा रहा है, सी वाले कॉलम में किया था लेकिन डी वाले में जा रहा है, तो ये एबीसी जो नंबरिंग लिखी हुई है कॉलम नेम में, इनके बीच में आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, लाइन आ रही है, और इस माउस के क्लिप को दबा करके ड्रैग कर देंगे, तो देखिए साइज बड़ा हो गया उसका, और रो का करना है तो रो के बीच में लेके चले जाएंगे तो रो का हो जाएगा, किसी भी रो के बीच में जिसका आपको बड़ा करना है, छोटा करना हो या बड़ा करना हो, ठीक है? तो आ जाएगा सभी को, इतना ही रहने दें।